दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम राजपथ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखिए, राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है, चूंकि कोहरा भी आज बहुत ज़्यादा है, धूप के भी दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो स्मोग और फोग है वो मिक्स हो गई है, और इसकी वजह से जाहिर तौर पर एक तरफ जहाँ प्रदूषण का स्तर है ज़्यादा है, PM 2.5 PM 10 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा घातक स्थिति में, यहाँ भी 400 के आसपास दर्ज किया गया है। लेफ्ट साइड पर देखिए, ना तो इंडिया गेट नज़र आ रहा है और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी धुंधली नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो फॉग है, दूसरा स्मॉग है। मौसम विभाग की माने, क्योंकि हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है, पिछले अगर 10 दिनों से बात करें तो सुबह के वक्त रात के वक्त ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। अब जो है इसी तरह का मौसम आने वाले दिनों में बना रहेगा, यानी और ज़्यादा ठंड होगी और ज़्यादा प्रदूषण का स्तर जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिक और पर्यावरणविद जो है अनुमान लगा रहे हैं। ये अभी तक जो जानकारी, सरकार तमाम कवायदे भी कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रही है सरकार की तमाम कवायदे। लेकिन स्थिति अब ये है कि जिस तरह से आज धूप के भी दर्शन नहीं हुए और आज बारिश भी एक्सपेक्ट है, इस तरह की मौसम विभाग जानकारी दे रहे हैं, तो जो कोहरा है और जो ये कहा जाए कि स्मोग है वो बहुत ज़्यादा उसका असर दिख रहा है। हालांकि धूप होती है तो छट जाता है, लेकिन अभी छटने वाली स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में जब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, PM 2.5 PM 10 घातक स्थिति में पहुंच गए हैं, ऐसे में सरकार तमाम उपाय भी कर रही है, तो बच के भी चलने की ज़रूरत है। यानी हो सके अर्ली मॉर्निंग जो है, बहुत अर्ली मॉर्निंग जो वॉक्स हैं वो ना करें। इसके अलावा अगर अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना कुछ समय के लिए तो करें, और अगर बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। तमाम ऐसी जो डायरेक्शन है सरकार की तरफ से भी दी गई है, लेकिन अभी आज कहा जा सकता है कि जो कोहरा है वो भी है और सर्दी भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो असर है यानी प्रदूषण का वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR में मंगलवार दोपहर हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। आसमान में धुंध और धूप के निकलने के कारण तापमान में गिरावट भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरह से दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, बारिश के कारण उसमें रोक लगेगी। PM 2.5 और PM 10 लेवल्स पुअर और वेरी पुअर कैटेगरीज में रिकॉर्ड किए गए हैं, तो दिल्ली की हवा अभी भी काफ़ी ख़राब है। कल से हालांकि आज सुबह जो हवा की क्वालिटी थी वो बेटर थी, लेकिन अभी भी दिल्ली वासी लगातार प्रदूषित हवा को इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, और स्थिति में उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बूंदाबांदी यहाँ चल रही है वो चलती रहे, ताकि कुछ दिनों के लिए तो कम से कम, या कुछ देर के लिए कम से कम, दिल्ली वासियों को इस जहरीली हवा से कुछ राहत मिल सके। दिल्ली NCR के लोग पिछले कुछ दिनों से जहरीली हवा से जूझ रहे हैं। मंगलवार दोपहर हुई बारिश ने न केवल मौसम के मिजाज को बदल दिया बल्कि वायु प्रदूषण में भी गिरावट ला दी। बारिश के कारण विजिबिलिटी में सुधार आया है और मौसम साफ हो जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहेगा। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।